गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म पर एक एग्जांपल सॉल्व करें। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 15 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आपको प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है, दैट इज ax प्लस बीवाई प्लस सीजेड इज इक्वल्स टू डी, तो ये जो ए बी और सी हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, और ये जो डी है वो डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है, ये सिंपली कोई एक कॉन्स्टेंट डी है। ओके, तो आपने जो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था, जो कि था एलएक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी, आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंफ्यूज मत करिए। ये जो इक्वेशन है, इसमें जो ये कांस्टेंट है ए बी और सी, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, और ये हमारे क्या थे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है, तो सबसे पहले हम ए बी सी की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, और फिर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, और यहां से ये जो डी होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। ओके, तो आइए इस एग्जांपल को हम सॉल्व करें। सॉल्यूशन, द डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन आर क्या क्या है, 2 माइनस 3 और 4, तो 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 4, तो यहां से आपको डायरेक्शन कोसाइन क्या मिलेंगे, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इट आर, आपने एनसीईआरटी के सेक्शन 11.2 में डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिलेशन देखा था, तो वो रिलेशन क्या था, एल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पे आपको ए बी और सी पता है, तो आप यहां से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, दैट इज एल एम और एन। तो हम आर्बिट्रेरली पॉजिटिव साइन चूज करेंगे, तो यहां से L क्या निकल जाएगा, L इज इक्वल्स टू A, दैट मीन्स 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहां से M की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और n क्या निकल जाएगा, और n इज इक्वल्स टू c क्या था, 4, दैट इज 4 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो आपको यहां से L, M और N क्या मिल जाएंगे, L इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 प्लस 9 प्लस 16, दैट इज इक्वल्स टू 29। यहां से M क्या मिल जाएगा, माइनस 3 बाई अंडर रूट 29, और N क्या मिल जाएगा,
4 बाई अंडर रूट 29। और जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन दी गई है वो क्या है, वो है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6। सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज टू एक्स माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6। और अगर हम इस इक्वेशन को अंडर रूट 29 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 बाई अंडर रूट 29 माइनस 3 बाई अंडर रूट 29, 2 बाई अंडर रूट 29 एक्स माइनस 3 बाई अंडर रूट 29 वाई प्लस 4 बाई अंडर रूट 29 जेड इज इक्वल्स टू 6 बाई अंडर रूट 29। और आप देख सकते हैं कि ये जो 2 बाई अंडर रूट 29 है, माइनस 3 बाई अंडर रूट 29 और 4 बाई अंडर रूट 29, ये क्या है, एल एम और एन। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी। अब जो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें दी गई थी, अब हमने उसे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म लिखा है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में ये डी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। सो हमने इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमें दी गई थी प्लेन की, उस इक्वेशन को हमने नॉर्मल फॉर्म में लिखा। और नॉर्मल फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई, और इस इक्वेशन में ये हमारी डी है। ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज 6 बाई अंडर रूट 29। ओके, तो जब भी आपको प्लेन की कोई इक्वेशन दी गई हो तो ये जो ए बी और सी होते हैं आप उन्हें एज ए डायरेक्शन रेशियो कंसिडर कीजिए, और फिर उस प्लेन की इक्वेशन को आप इन टर्म्स ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी के फॉर्म में लिखिए। दैट इज, उस इक्वेशन को आप इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म लिखिए, और वहां से ये जो डी होगा वो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन होगा।